सर्वशक्तिमान न्याय का दिन क्यों नहीं निर्धारित करता? उसके भक्त उसके दिन क्यों नहीं देखते? दुर्जन खेतों के सीमा पत्थर खिसकाते हैं और चुराए हुए झुंड चराते हैं। वे अनाथों का गधा हाँक कर ले जाते हैं और विधवा के बैल को बंधक के रूप में रखते हैं। वे गरीबों को मार्गों से भगाते हैं। देश के सभी दरिद्र छिपने को बाध्य हो जाते हैं, जिससे वे मुंह अंधेरे निकलकर भोजन की खोज में जंगली गधों की तरह उजाड़ खंड में भटकते फिरते हैं। उससे उनके बच्चों का निर्वाह होता है। वे रात को लुने हुए खेतों में सिल्ला बीनते और दुष्ट की दाखबारी में बचे हुए अंगूर तोड़ते हैं। वे कपड़ों के अभाव में रात को नंगे पड़े रहते हैं और जाड़े में भी उनके पास ओढ़ने को कुछ नहीं। वे पर्वतों की वर्षा से भीगते और आश्रय के अभाव में चट्टान पर पड़े रहते हैं। दुर्जन पितृहीन बच्चों को उनकी माता की गोद से छीनते और दरिद्र की संतान को बंधक के रूप में रखते हैं। गरीब कपड़ों के अभाव में नंगे घूमा करते हैं। वे दूसरों के पूले ढोते और स्वयं भूखे रहते हैं। वे दूसरों के यहाँ तेल पेरते और अंगूर रौनते हुए भी प्यासे रहते हैं। शहरों में मरने वाले विलाप करते और घायल सहायता के लिए पुकारते हैं, किंतु ईश्वर इस बात पर ध्यान नहीं देता। दुर्जन ज्योति के विरुद्ध विद्रोह करते, उसे पीठ दिखाते और उसकी उपेक्षा करते हैं। हत्यारा मुंह अंधेरे उठकर दरिद्र का वध करता और रात को चोरी करने जाता है। व्यभिचारी की आंखें झुटपुटे की राह देखती हैं। वह सोचता है, मुझे कोई नहीं देख पाएगा, और वह अपने चेहरे पर पर्दा डालता है। वे अंधेरे में घरों में सेंध मारते और दिन में छिपे रहते हैं। वे प्रकाश में किनारा काटते हैं। भोर उनके लिए मृत्यु की छाया जैसा है, घोर अंधेरा उनका सखा है। वे पानी पर बहते तिनके के सदृश हैं। उनकी भूमि लोगों द्वारा अभिशप्त है और उनकी दाखबारी में कोई नहीं जाता। जिस तरह सूखी भूमि पर गर्मी पिघली बर्फ सोख लेती है, उसी तरह अधलोक पापी को निगलता है। उसकी माता उसे भुला देती है, उसे कीड़े खा जाते हैं, उसे कोई नहीं याद करता। दुष्ट पेड़ की तरह काट दिया जाता है। उसने बांझ का शोषण किया और विधवा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। किंतु जब ईश्वर उठता है, जो शक्तिशालियों को भी ले जाता है, तो उसे जीवित रहने की आशा नहीं। फिर भी ईश्वर उसे सुरक्षा में रहने देता, किंतु उसकी आंखें उसके आचरण का निरीक्षण करती रहती हैं। वह थोड़े समय तक फलता फूलता और समाप्त हो जाता है। वह कटे हुए पौधे की तरह अचानक ढेर हो जाता है। वह अनाज की बाल की तरह कट जाता है। यदि ऐसा नहीं तो कौन मुझे झूठा प्रमाणित करेगा और मेरे तर्कों का खंडन करेगा?